चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करना संभव कर दिया? इसका आंसर है रेमनेट। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर से मिलकर बनता है? 12 बिट्स से। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। इसके अलावा 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन निम्न में से किसको कहा जाता है? इसका आंसर है सीपीयू को। कंप्यूटर एक निम्न डिवाइस है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। इसके अलावा कंप्यूटर का जनक कहलाता है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। सिंगल चिप प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट है, मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के नाम से पुकारते हैं। मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी भंडारण की आधारभूत इकाई है। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसके अलावा जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की इस भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसको हम रैम बोलते हैं। निम्न में से कोबोल व फोर्ट्रॉन भाषा का सम्मिश्रण है, पीए फर्स्ट में। इसके अलावा दुनिया की सबसे चहेती सुविधाओं में एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी SMS अब 15 साल की हो चुकी है। इसका आविष्कार किसने किया था? नील पेफवर्थ बेटेन ने किया था। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी IBM ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर को भारत में जिस नाम से पेश किया है वह है एक ड्यूएल कोर पावर चिप। इसके अलावा भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग मतलब CTEC और इजराइल की FTF टेक्नोलॉजीज ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया? इसका आंसर है लेखिका। इसके अलावा है, फोर्ट्रॉन किस स्तर की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है, एनालॉग है एक प्रोग्राम, एल्गोल एक एल्गोरिथम लैंग्वेज है। तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है? मिनी कंप्यूटर का। मैड उदाहरण है एक उच्च स्तरीय भाषा का।